हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज मैं जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा जाता है कि मैम, मेरा बच्चा टॉयलेट करते समय, सुसु करते समय बहुत ज़्यादा रोता है, ऐसा क्या कारण है? मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या दिक्कत हो रही है, बच्चा क्यों रोना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, और सुसु करते समय उसका जो फेस है एकदम रेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा इरिटेट और चिड़चिड़ा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ये कंडीशन बढ़ती जा रही है, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है बच्चा? तो ये क्वेश्चन आप में से बहुत सी जो मदर हैं जिनके बच्चों के साथ, जिनके बेबीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है, और छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम कॉमन है और ये हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है और आप अपनी तरफ से कौन से बेटर जो एफर्ट हैं वो कर सकती हैं। देखिए, सबसे जो मेन रीज़न होता है वो है डायपर। हम आज के रूटीन में हैं, डायपर को इतना ज़्यादा मीन्स यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, चाहे हम घर से बाहर जा रहे हैं, चाहे हम घर पर हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को बहुत कंफर्ट जोन में रखने के लिए या अपने कंफर्टेबल के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को डायपर पहना देते हैं कि डायपर पहन लेगा और ठीक रहेगा। लेकिन आप ये एक बात जानते हो कि जो डायपर होती है उनको हम अधिक मात्रा में बच्चे को पहनाते हैं या हर टाइम अपने बच्चे को डायपर में रखते हैं, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल तो आप देखोगे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको डायपर पहना देते हैं। ये क्या होता है, जो बच्चों के जेनिटल पार्ट्स होते हैं, मीन्स जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट तो ठीक से होता ही नहीं है। साथ ही साथ बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि बच्चे जब सुसु करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, इरिटेशन होती है, और वो बहुत चिड़चिड़े हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा सुसु करता रहता है। आप जानते हो कि छोटा बच्चा बहुत जल्दी दूध पीता है और बहुत जल्दी उसे डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, और पी के थ्रू वो निकाल देता है सुसु। वो सुसु डायपर में काफ़ी टाइम तक रहती है, हमें ध्यान नहीं रहा या हमने थोड़ा लेट कर दिया बच्चे का जो डायपर चेंज करने में, या फिर अच्छी क्वालिटी के हम डायपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, या छोटा बड़ा डायपर है, तो उससे क्या होता है, बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये लड़की के भी हो सकती है, जो बेबी गर्ल है और बेबी बॉय दोनों को सेम प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी गर्ल अगर टॉयलेट करेगी तो उसको भी दिक्कत हो सकती है, सेम बेबी बॉय को भी ये दिक्कत हो सकती है डायपर के थ्रू, कि अगर वो टॉयलेट कर रहे हैं तो टॉयलेट करते समय उनको बहुत ज़्यादा मीन्स दिक्कत हो सकती है, उनको जलन होगी। दूसरा, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स की ठीक से क्लीनिंग नहीं करना। छोटे बच्चे, चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, दोनों की ठीक से आपको क्लीनिंग करनी चाहिए, बराबर वॉश करना चाहिए। बच्चा जितनी बार भी यूरिन जा रहा है, आपको हल्के पानी से, हल्का गुनगुना पानी हो या फ्रेश वाटर हो, या फिर आप बेबी वाइप्स यूज़ कर सकती हैं, उससे बच्चे का नीचे का पोर्शन पूरा क्लीन करें, फिर बच्चे को आप नेक्स्ट उसका नेपी या फिर डायपर या फिर जो भी बच्चे का कपड़े हैं वो आप बच्चे को पहनाएं, ठीक है। क्लीनिंग करने के लिए ऐसा होता है, जो छोटे जो बेबी बॉय होते हैं स्पेशली, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जो उनकी स्किन होती है छोटे बच्चों की, कभी कभी वो स्किन ठीक से ओपन नहीं हो पाती है, और अगर स्किन ठीक से ओपन नहीं है तो बच्चे को सुसु करने में दिक्कत होगी, और ये रेगुलर होगी बच्चे को, जब तक कि बच्चे की जो स्किन है वो वहाँ से हटेगी नहीं। और इससे क्या होगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा जलन होगी, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा टॉयलेट करने में, तो ये दिक्कत बच्चे को होगी और वो रोएगा। तो माँ को क्या करना चाहिए, जब बच्चे की वो सुसु क्लीन करती है तो वहाँ पर स्किन को थोड़ा सा हल्के हाथों से नीचे खिसकाने की कोशिश करें, उस पर पानी से अच्छे से साफ़ सफाई करें, और थोड़ी सी वहाँ पर ऑयलिंग कर दें, वहाँ पर वाइट वाइट कलर के, अगर आप क्लीनिंग नहीं करोगे, पानी से सफाई नहीं करोगे रेगुलर, तो वहाँ पर वाइट कलर के एग जैसे बच्चे के जो बेबी बॉय के इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप ऐसे कहोगे कि मैम आपको कैसे पता ये सारी चीज़ें, कि देखिए मेरी जो सिस्टर है उनका बेबी बॉय है और उन सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, समझी हैं, क्योंकि एक मैं यूट्यूबर हूँ और आपको सारी चीज़ें मैं सजेस्ट करती हूँ, तो ये चीज़ें मैंने सारी वहाँ से सीखी हैं। मेरी दीदी का है बेबी बॉय, तो वो किस तरीके से करती थी, उन्होंने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट किया, तो ऐसे मुझे सारी ये चीज़ें पता है। तो वहाँ पर अगर आप ठीक से क्लीनिंग नहीं करोगे तो वो एग जैसे वाइट वाइट चीज़ें वहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी और वो बच्चे को इन्फेक्शन कर सकती हैं। तो प्रॉपर आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्किन, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं, बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसलिए हल्की फुल्की उसको नीचे करें ताकि बच्चा ठीक से यूरिन पास कर पाए।
दूसरा, अगर बच्चे के बॉडी में पानी की कमी हो गई है, मीन्स बच्चा बच्चे की बॉडी डिहाइड्रेट है, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे को यूरिन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा इरिटेट और चिड़चिड़ाता है। तो क्योंकि जो 6 मंथ तक का बच्चा है वो कम्प्लीटली मदर फीड पर डिपेंड करता है और वो अपनी पानी की पूर्ति माँ के फीड से ही कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आप अपने जो बच्चे को जितना हो सकता है अपनी फीडिंग कराएं, आप खूब लिक्विड लें, अच्छे से पानी पिए, दूध पिए, जिससे कि आपका बच्चा जो भी दूध पिएगा वो उससे वो हाइड्रेट बना रहेगा और इस तरीके से कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। जब बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब बच्चे ऐसा बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। साथ ही एक ये रीज़न भी हो सकता है कि अगर बच्चा का पेट खाली हो गया तो भी वो रोने लग जाते हैं, जैसे उन्होंने टॉयलेट करने के बाद वो रोने लग गए, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि बच्चे का पेट खाली हो गया और वो भूखा है, तो आप उसे दूध भी पिला सकती हैं। तो ये कुछ रीज़न है। आप प्रॉपर बच्चे की साफ़ सफाई रखें, प्रॉपर ऑयलिंग करें, दोनों चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, आप बच्चे को डायपर बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना पहनाएं, अगर पहना रही हैं तो बहुत टाइम तक ना पहनाएं, बराबर देखती रहें कहीं वो भर तो नहीं गया, बहुत हैवी तो नहीं हो गया। अगर आपने उसी में बच्चे को छोड़ दिया तो उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यूटीआई इन्फेक्शन जो यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूटीआई जिसको हम बोलते हैं, उससे भी बच्चे को जलन है या फिर बच्चे के पी में से ब्लड भी आ सकता है, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये इन कारणों की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आई होप माई मॉम्स माई डियर पेरेंट्स, मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।